हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई डॉक्टर राकेश बड़ोला वेलकम ऑल ऑफ यू इन कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। वी आर स्टडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बीए एलएलबी थर्ड सेमेस्टर। टुडे वी विल टॉक अबाउट नोट मेकिंग। मीनिंग ऑफ नोट मेकिंग, you can see that when we read from a number of sources on the same topic, we need to summarize the important points derived from different reading material so that important concepts are written and extra information is avoided. Agar hum kahein ki jaise aap apni study ki bhi taiyari karte hain, to you can take different books written by different writers, aur jo usme se aapko acha lagta hai उसको आप नोट डाउन कर लेते हैं, और जो आपको लगता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और इट नॉट कवर्स टू अवर सिलेबस, तो आप उसको अवॉइड कर देते हैं। इट शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ। दे हेल्प द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्टडी आवर्स एज दे नीड नॉट टू रिवाइज होल बुक। यानी जब आपके पास पूरी पुस्तक को पढ़ने का समय नहीं होता है एग्जाम टाइम से ठीक पहले, बट मे गो थ्रू इम्पॉर्टेंट हेडिंग एंड पॉइंट्स, तो आप क्या करते हैं कि डिफरेंट बुक्स में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं, कहीं नोट डाउन कर लेते हैं और अपना नोट मेकिंग बना लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टेकिंग नोट्स। टेकिंग नोट्स में क्या सिद्धांत हैं इसके? इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज व्हेन यू नोट एनी टॉपिक, जब आप किसी भी टॉपिक को नोट कर रहे हैं तो आप बेसिकली फोकस करते हैं अंडरस्टैंडिंग पे, कि हम ऐसे टॉपिक को यहाँ पे नोट डाउन करें जिसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो, जिसको हम अच्छी तरीके से समझ सकें, जिसमें एक बार पढ़ने के बाद आप अच्छी तरीके से उसको डिराइव कर सकें। इट शुड बी क्लियर, क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ यानी बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, एक ब्रीफ टाइप में जो है आप उसको लिख कर जो है नोट डाउन कर लेते हैं। इट मस्ट हेल्प स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्टडी आवर्स, और जब भी आप स्टडी करते हैं तो ये आपको मदद करता है। ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शुड बी रिटन, ये आप देख रहे हैं फिफ्थ पॉइंट नंबर फिफ्थ, कि केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको ही केवल लिखा जाना चाहिए, ये नोट टेकिंग के एक प्रिंसिपल कहलाता है। नाउ नोट टेकिंग, नोट मेकिंग हो गया, अब हम बात करेंगे नोट टेकिंग की। देखिए नोट टेकिंग, व्हाट इज नोट टेकिंग, आप देख रहे हैं अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स राइटिंग और रिकॉर्डिंग व्हाट यू हियर और रीड इन अ डिस्क्रिप्टिव वे, यानी एक ऐसा प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग, लिखित और रिकॉर्डिंग पे जब आप सुनते हैं या पढ़ते हैं किसी डिस्क्रिप्टिव वे में वर्णनात्मक तरीके से, इट इज़ टेकन ड्यूरिंग लेक्चर ट्यूटोरियल्स और सेमिनार। इट मे इन्वॉल्व कॉपिंग नोट्स फ्रॉम ओरिजिनल रिसोर्स सीन हर्ड और रीड, यानी जहाँ से आपने ओरिजिनल रिसोर्स से उसको देखा है या आपने उसको सुना है या आपने उसको पढ़ा है, उसके बाद आप उसको जो है कहीं पर नोट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ टेकिंग नोट्स। फर्स्ट सेल्फ कंटेनमेंट, व्हाट इज सेल्फ कंटेनमेंट, द मिनट शुड स्टैंड बाय इटसेल्फ सो दैट अ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ इट इज रेफर टू समबडी। इफ रीडर्स One, the background, they should be able to check references. It is in self-contentment. Next one is clarity. Clarity is essential for good communication. All of you know, those who present should be able to understand what happened at the meeting for the notes. All references should be specific, relevant एंड एक्यूरेट, तभी जाकर आप क्लैरिटी को पाएंगे। नेक्स्ट ब्रीविटी, अ मिनट इज अ सिलेक्टिव नॉट वर्बेटिम रिकॉर्ड, ओनली सिलेक्टिव जो होगा उसको ही इसके अंदर नोट डाउन किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज इमीडिएट रिकॉर्डिंग, द नोट शुड बी रिटन एज सून एज आफ्टर द मीटिंग,
after the meeting. And last one is decisiveness. Decision or resolutions should be conveyed clear language of actual resolution or decision should be reproduced. Yani by notes we mean a concise and accurate official record of the decision taken at the meeting of the company. और इसी संबंध में पामर ने कहा है, अकॉर्डिंग टू पामर नोट्स आर द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस डन एट द मीटिंग. ठीक है, नेक्स्ट वन, काइंड्स ऑफ नोट्स. यू कैन टेक काइंड्स ऑफ नोट्स, टू टाइप्स ऑफ काइंड्स, नोट्स ऑफ रेजोल्यूशन और डिसीजन. यानी इन नोट्स ऑफ रेजोल्यूशन ओनली पास्ट रेजोल्यूशंस आर रिकॉर्डेड एंड बिफोर ईच पैराग्राफ रिजॉल्व्ड इज रिटन. देखिए, जैसे हम एक स्पेसिमेन देखें नोट्स ऑफ रेजोल्यूशन का, तो कैसे लिखेंगे हम, एक सुन लीजिएगा आप ध्यान से. रिजॉल्व दैट द बोरोइंग पावर वेस्टेड इन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बी एंड are hereby increased by the sum of rupees 20 lakh over and above the amount at present authorized and that such borrowing powers be exercised from time to time as the director may deem fit. yani ye ek tarika hai resolution ko jo aap note down karenge wo kis tarike se karenge. next one is notes of narration. In notes of narration, facts relating to resolutions are recorded and the decision relating to them are written. A specimen देखते हैं हम notes of narration के, तो specimen में देखिए सुनिएगा. The consent to act as directors was signed by each of the directors mentioned in 10 articles of association and the secretary was instructed to file the same with the registrar of companies Mumbai. ठीक है, ये हुआ आपके पास एक स्पेसिमेन नोट्स ऑफ नरेशन का. एक और देख लीजिए आप, द सॉलिसिटर टू द कंपनी मिस्टर डैश 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 प्रोड्यूस्ड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर दिस वन डेटेड दिस वन. तो ये सब जो था ये हमने स्पेसिमेन आपको बताया है कि किस तरीके से नोट्स ऑफ रेजोल्यूशन होगा और किस तरीके से नोट्स ऑफ नरेशन के बारे में बात की जाएगी. नाउ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज. सिमिलैरिटीज क्या है नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग में. बोथ प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स विद मटीरियल फॉर प्रिपरेशन इन स्टेट ड्यूरिंग एन एग्जाम. जब भी एग्जाम होगा तो दोनों ही, चाहे नोट मेकिंग हो चाहे नोट टेकिंग हो, ये आपको स्टडी मटीरियल जो है वो प्रोवाइड कराते हैं. बोथ एड्स द स्टूडेंट इन रिमेंबरिंग फैक्ट्स ईजियर. यानी ऐसी व्यवस्था बताते हैं, ये ऐसा तरीका बताते हैं कि स्टूडेंट्स की जो रिमेंबरिंग फैक्ट्स है वो जल्दी से उनको याद रहे. बोथ हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू एक्सेल इन देयर स्टडीज. बोथ हेल्प्स स्टूडेंट्स कंसंट्रेट बेटर. किस तरीके से आप बेटर तरीके से जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिसका भी आप स्टडी कर रहे हैं, उस पर आप कंसंट्रेट कर सकें, ये दोनों ही इन चीज़ों को बताते हैं. डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग आप देख रहे हैं. नोट टेकिंग की हम अगर पहले बात करें, लेस अंडरस्टैंडिंग इज इन्वॉल्व एज द एम इज टू टेक नोट्स. नोट मेकिंग इट हेल्प्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक रिलेटेड बेटर. यानी वहाँ लेस अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है. दूसरा पॉइंट देखते हैं, नोट्स वर रिटन इन फुल फॉर्म. और नोट मेकिंग में प्रोसेस मस्ट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन. यानी जो भी इंफॉर्मेशन है अलग अलग, उसको समराइज करने का प्रोसेस जो है वो नोट मेकिंग के अंदर आता है. नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन नोट्स एंड रिपोर्ट्स. देखिए, नोट्स एंड रिपोर्ट्स में हम देखते हैं नोट्स. व्हाट इज नोट्स? द नोट्स रिकॉर्ड्स द फैक्ट ऑफ होल्डिंग द मीटिंग एंड ऑफ टेकिंग डिसीजन.
यानी रिकॉर्ड्स जो नोट रिकॉर्ड्स जो नोट्स की बात करें वो होल्डिंग द मीटिंग करता है। और रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट्स आर ऑलवेज इन अ नैरेटिव फॉर्म गिविंग अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द थिंग्स। ये है आपके सामने रिपोर्ट्स। सेकंड, दे सर्व एज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। और रिपोर्ट क्या होता है, इट डज नॉट सर्व एज ऑफिशियल रिकॉर्ड, यानी कि रिपोर्ट है उसका जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई रिकॉर्ड आप रखेंगे, लेकिन नोट्स क्या है, नोट्स अधिकतर जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उसका रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ नोट बिगिन विद द वर्ड रिजॉल्व्ड। जैसे अभी आपने ऊपर कुछ स्पेसिमेन हमने बताए थे, तो जो नोट्स होगा वो हमेशा किस वर्ड से होगा, रिजॉल्व से शुरू होगा। जैसा हमने आपको ऊपर स्पेसिमेन बताया था नोट्स ऑफ रेजोल्यूशन का, कि रिजॉल्व दैट द बोरिंग पावर वेस्टेड इन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बी एंड आर हियर बाय इंक्रीज्ड बाय द सम ऑफ देयर शेयर्स। तो वो स्टार्ट किससे होगा, रिजॉल्व से। और रिपोर्ट में देखें तो द रिजॉल्व इज नॉट रिटन व्हाइल राइटिंग ए रिपोर्ट। और जब आप रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तब रिजॉल्व की कोई आवश्यकता नहीं है। नोट्स में आ जाइए, नोट्स कैन बी प्रिपेयर्ड विद इन रीजनेबल टाइम और इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर विद इन रीजनेबल टाइम। नोट्स के लिए एक रीजनेबल टाइम है जिसके अंदर आपको तैयार करना है, बट रिपोर्ट के लिए देयर इज नो एनी रीजनेबल टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, नोट्स कंटेन एग्जैक्ट वर्ड ऑफ मटीरियल एंड रिपोर्ट मे नॉट कंटेन एग्जैक्ट वर्ड ऑफ मटीरियल। ओके, सिक्स्थ वन इज, इट इज एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एज एविडेंस। क्योंकि नोट है वो नोट डाउन किया गया है कहीं पर, तो वो कोर्ट में एज ए एविडेंस एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एज एविडेंस। लेकिन रिपोर्ट को कोर्ट में किसी एविडेंस के रूप में नहीं कहा जा सकता, लिया जा सकता है। ठीक है, नोट्स आर जनरली नॉट रिटन इन ए नैरेटिव फॉर्म, ये भी आप कह सकते हैं। नोट्स कैन बी प्रिपेयर्ड विद ए रीजनेबल टाइम, जैसे कि हमने बताया है। और ये कुछ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन विल पॉइंट आउट क्लियरली द डिफरेंसेस। जैसे हम एक रिपोर्ट की बात करें, सुन लीजिएगा, एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्ट हम इसके अंदर ही बताना चाह रहे हैं आपको डिफरेंसेस में, कि मिस्टर एक्स वाई जेड प्रपोज दैट एन एप्लीकेशन शुड बी मेड टू अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर ए लोन ऑफ रुपीज दिस फॉर द पर्पज ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। ये हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं रिपोर्ट का। द मोशन वॉज सेकेंडेड बाय मिस्टर सो एंड सो, द डिस्कशन एंड अमेंडमेंट वॉज मूव्ड बाय मिस्टर सो एंड सो, सेकेंडेड बाय मिस्टर दिस वन, दैट द अमाउंट बी दिस वन सो एज टू अलाउ टू परचेज ऑफ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज एंड पार्ट्स अलॉन्ग विद द मेन प्लांट। ओके, सेम मैटर कैन बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ नोट लाइक दिस। अब नोट की बात कराएं तो नोट हमने बताया आपको कि वर्ड क्या आना चाहिए, रिजॉल्व। तो नोट का एग्जाम्पल कैसे बनेगा इसी का, रिजॉल्व दैट एन एप्लीकेशन बी मेड टू सो एंड सो बैंक दिस ब्रांच फॉर ए लोन ऑफ दिस अमाउंट फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोर्टिंग एंड इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट अलोंग विद एडिशनल सेम पार्ट्स। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन नोट्स एंड रिपोर्ट। तो आपने देखा कि ये डिफरेंस जो था नोट एंड रिपोर्ट में था। तो टुडे वी स्टडी अबाउट नोट मेकिंग, नोट टेकिंग, काइंड्स ऑफ नोट्स, प्रिंसिपल्स, सिमिलैरिटीज एंड फिर डिफरेंसेस, देन डिफरेंस बिटवीन नोट एंड रिपोर्ट। तो आप लोग इसको कहीं नोट डाउन भी कर लें अपनी स्टडी के लिए। ये पूछ लेते हैं, डिफरेंस पूछ लेता है नोट मेकिंग नोट टेकिंग में, डिफरेंस पूछ लेता है नोट्स में और रिपोर्ट्स में। तो इनको आप कहीं नोट डाउन भी करते रहें और कहीं पर एक अपने नोट्स आप भी बनाते रहें। जैसे कि आज टॉपिक भी चल रहा है, तो नोट्स बनाने का क्या बेनिफिट होगा कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कुछ समय पहले जब आपको एक बार समराइज करना होता है तो ये नोट्स आपको हेल्पफुल होते हैं। आप पूरी, क्योंकि एग्जाम से कुछ समय पहले यू कांट रिवाइज द होल बुक, और जब आप रिवाइज नहीं कर सकते तो आप अपने नोट्स को देखिए। एक बार नोट्स आप देखेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा कि भाई इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। तो ये आपको हेल्प करते हैं नोट्स। तो अगले
लेक्चर में अगले किसी टॉपिक पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक डॉक्टर राकेश बडोला सेज ऑल ऑफ यू जय हिंद।